मेरठ में अब तक तो तेल माफियाओं का खेल जारी था, लेकिन अब जमीन कब्जाने वाले लोगों के भी मामले सामने आने लगे हैं। ज्ञानेंद्र चौधरी पर जमीन कब्जाने के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब चौतरफा शिकंजा कसा जा रहा है। कारनामों की परतें खुलती चली जा रही हैं। एमडीए ने ज्ञानेंद्र के प्रतापपुर स्थित दोबास विलास की फाइल निकाल ली है। इसका मानचित्र क्लब के लिए स्वीकृत था, लेकिन यहाँ आलिशान होटल खड़ा कर दिया गया। क्लब के स्थान पर 32 गेस्ट रूम बना दिए गए, जबकि डाइनिंग एरिया के स्थान पर हाईवे किचन रेस्टोरेंट चलता पाया गया। बेसमेंट स्टोर के लिए पास था, लेकिन उसे बैंकेट हॉल बना दिया गया। आपको बता दें, ज्ञानेंद्र चौधरी हिस्ट्री शीटर और 2014 में सुरंग बनाकर तेल चुराने का आरोपी है। 2014 में जेल भी गया था। वर्तमान में जो तेल का खेल चल रहा है, उसमें ज्ञानेंद्र चौधरी भी कहीं ना कहीं संपलित शामिल है। यह भी तेल कारोबारियों के साथ मिलकर काले तेल का कारोबार भी करता है। ज्ञानेंद्र ने 16 फरवरी 2014 को प्रतापपुर थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक सुरंग बनाकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन से करोड़ों का तेल चोरी कर लिया था। इस मामले में आरोपी ज्ञानेंद्र चौधरी और उनके 3 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी के खिलाफ पुलिस कोर्ट में आरोपी पत्र भी दाखिल कर चुकी है। मुकदमा ट्रायल पर है। कप्तान ने जांच सीओ को सौंप दी है। पड़ताल की जा रही है कि मिलावटी तेल में दोनों का जोड़ आपस में तो नहीं है। ज्ञानेंद्र चौधरी नगर निगम से यूनिपॉल का ठेकेदार भी है, जिसमें शहर के कई अवैध होर्डिंग भी लगा रखे हैं। होर्डिंग माफियाओं और तेल माफियाओं होने के साथ साथ नगर निगम के होर्डिंग ठेकेदार ज्ञानेंद्र चौधरी के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। होटल पर जहां संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो वहीं नगर निगम यूनिपॉल के ठेके पर भी निरस्तीकरण की तलवार लटक गई है। ज्ञानेंद्र चौधरी के होटल को जल्द ही एमडीए ध्वस्त करेगा, जिसका वह पहले ही नोटिस ज्ञानेंद्र चौधरी को दे चुका है। हाईवे पर बनाया गया यह आलिशान होटल पूर्ण रूप से अवैध है, जिसको NHI ने भी माना है कि ज्ञानेंद्र चौधरी ने NHI से हाईवे पर होटल करंटी की इजाज़त नहीं ली थी, इसलिए NHI ने भी ज्ञानेंद्र चौधरी पर शिकंजा कस दिया है। अब ज्ञानेंद्र चौधरी चौतरफा गिरता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां नगर निगम से यूनिपॉल का ठेका निरस्तीकरण की तलवार लटक रही है, तो वहीं होटल दोबास विलास पर भी निरस्तीकरण की कभी भी कार्रवाई हो सकती है। पूर्व में भी जो है होटल दोबास विलास को जो है कारण बताओ नोटिस जारी किए थे अगस्त में, लेकिन इनके द्वारा उन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है, इसलिए कल उनको जो है सील पूर्व आदेश जारी किया गया है कि अगले 7 दिन में जो है स्थिति स्पष्ट नहीं करते तो ये निर्माण सील किया जाएगा। वैसे जो पत्रावलियाँ देखी गई हैं इनकी, उससे स्पष्ट है कि इनका नक्शा जो है वो क्लब में पास है, लेकिन इसका इस्तेमाल ये बतौर होटल कर रहे हैं और नक्शे के विरुद्ध बहुत अधिकतम 2 गुना करीब निर्माण जो मौके पर पाया गया है। अच्छा मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, तो वैसे तो पूरी तैयारी करनी, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब संभाल लिए हैं? हाँ, पूरी तैयारी की गई है और सभी इनकी जो मानचित्र की पत्रावली थी उसका भी अध्ययन किया गया है। देखा गया है कि इन्होंने स्वीकृति जो थी उसके अगेंस्ट क्या क्या निर्माण किए हैं, उसकी भी लिस्ट बनाई जाएगी। मैम, जिस तरीके से तीसरा नोटिस दिया गया है, इसके बाद एमडीए की तरफ से क्या कार्रवाई? एमडीए इस निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद इसका इनका निर्माण सील करेगी, और अगर उसके बाद भी जो है कोई संतोषजनक जवाब या कंपाउंडिंग मैप या ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से पहले यह निर्माण बना दिया गया था, उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई, केवल एक नोटिस भेज करी थी, शुरू कर ली गई, अब एकदम लगातार उन पर नोटिस भेजे जा रहे हैं और कार्रवाई करी जा रही है, क्या कारण है? हुआ कि एकदम ऐसे एमडीए की ओर से जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी वो अगस्त में ही शुरू की गई थी। ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाइयाँ इनके विरुद्ध जो है FIR होने के बाद की गई हैं, उसके पूर्व से ही शुरू हैं, और जो इनका नक्शा स्वीकृत है उसके विरुद्ध इन्होंने जितना निर्माण किया है उसके बारे में भी जांच कराई जा रही है कि वो किसके समय में निर्माण किए गए हैं, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मैम, एक सवाल मेरा ये है कि जो बाईपास पे और भी जांच करने के निर्देश दिए हैं ग्रीन मंच में, वो बड़ा सवाल जानना चाहूँगा कि बड़ा कदम एनडीए ने उठाया। ये एक प्रकरण जब संज्ञान में आया तो ये हुआ कि जो भी बाईपास पर निर्माण है उन सभी की जांच करा ली जाए कि कितने निर्माण नक्शे के सापेक्ष सही हैं और कितने निर्माण नक्शे जो पास हैं उनके विरुद्ध हैं और कितने जो हैं बिना नक्शे के हैं, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके और एमडीए जो है अगला कदम उठा सके।